राहुल दलाल को इस रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन, दोहरे शतक, शतक और अर्धशतक जड़ने के बाद भी इस बात का हमेशा ही रहेगा मलाल कि उनकी टीम इस रणजी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत पाई। नमस्कार दोस्तों, जीवन में कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अधूरी ही रह जाती है। क्रिकेट में भी कुछ खिलाड़ियों के जीवन में ऐसी ही ख्वाहिशें होती हैं जो कभी नहीं पूरी हो पाती। ऐसा ही कुछ रणजी ट्रॉफी 2019-20 में अरुणाचल प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल दलाल के साथ हुआ। राहुल दलाल ने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में अपनी बल्लेबाजी से खूब तारीफें बटोरी। राहुल ने इस रणजी में कितने दोहरे शतक, शतक और रन बनाए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से खेलते हुए राहुल दलाल की यह रणजी ट्रॉफी किसी सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि राहुल ने इस सीजन वो सब हासिल किया जो एक बल्लेबाज चाहता है। लेकिन राहुल को इस बात का भी मलाल रहेगा कि उनकी टीम उसके बढ़िया प्रदर्शन के बाद भी इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीत पाई। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राहुल दलाल के इस सीजन के आंकड़ों की। राहुल दलाल ने इस रणजी में खेले गए 9 मैचों की 17 पारियों में लगभग 96 की औसत के साथ सबसे ज़्यादा 1340 रन बनाए। राहुल ने सबसे ज़्यादा 4 शतक भी जड़े, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। साथ ही राहुल दलाल ने 5 अर्धशतक भी लगाए। इस सीजन में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड भी राहुल दलाल के नाम है। राहुल ने 9 मैचों की 17 पारियों में सबसे ज़्यादा 174 चौके लगाए। वहीं राहुल ने 13 छक्के भी जड़े। अरुणाचल प्रदेश की टीम इस सीजन के खेले गए 9 लीग मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई। 9 में से 6 मैचों में अरुणाचल प्रदेश को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 3 मैचेस ड्रॉ रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि राहुल दलाल ऐसे ही बढ़िया बल्लेबाजी करते रहें और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जो एक क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है।